हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले मिड वेस्ट राइनो और तंजानिया के बीच में होने वाले चौथे T20 मैच की। यहां पर मैं आपको बताऊं, आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी सिर्फ दो ही कवर करे हैं, तो दो और कब हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, मंडे से सीरीज शुरू हुई थी तंजानिया और मिड वेस्ट राइनो की। यहां पर मैं आपको, तंजानिया जो है जिम्बाब्वे का टूर कर रही है और सारे के सारे मैचेस जो हैं कोविड-19 की वजह से रद्द हो चुके हैं। बड़े मैचेस जो थे जैसे IPL, PSL, फिर उसके बाद जो हमारे पास इंडिया की सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, इंग्लैंड की सीरीज थी, सारी सीरीज जो है पोस्टपोन्ड या नहीं तो रद्द हो चुके हैं। तो यहाँ पर ड्रीम 11 बड़ी मुश्किल से कोई मैचेस ढूंढ कर लाए हैं। तो यहाँ पर अभी हम पूरी की पूरी मैच डिटेल डिस्कस कर लेंगे कि आज के मैच में कौन सी टीम के पास कितना एज रहेगा, कौन सी टीम के पास यहाँ पर जो है, मतलब अभी तक जितनी सीरीज हुई है कौन सी टीम अभी ऊपर चल रही है और कितने मैचेस हो गए हैं, कितने मैचेस सीरीज में होंगे, सारी की सारी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम प्लेइंग 11 की बात कर लेंगे, पिच रिपोर्ट की बात कर लेंगे, वेदर रिपोर्ट की बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट मुझे नहीं लगता ज़्यादा, मतलब आप कहीं और भी देख रहे होंगे तो ज़्यादा पेजेस या मतलब चैनल्स ने नहीं बताई होगी, यहाँ पर मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पूरी की पूरी इन डेप्थ डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथा T20 मैच है, तंजानिया टूर कर रही है जिम्बाब्वे का और खेला जाएगा मिड वेस्ट राइनो और तंजानिया के बीच में और होने वाला है QV स्पोर्ट्स क्लब में। यहाँ पर सारे के सारे मैचेज जो हैं QV स्पोर्ट्स क्लब में ही खेले जाएंगे। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो लोकल टाइमिंग के हिसाब से 2 बजे और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 5:30 बजे वाला मैच हमें लाइव देखने को मिलेगा। टीम न्यूज की अगर मैं बात करूं, मिड वेस्ट राइनो जो पिछला जो मैच खेला है वो तंजानिया के खिलाफ 6 विकेट से जीत कर आ रहे हैं। कल का जो मैच हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हुआ था और 6 विकेट से जो है तंजानिया की टीम से मिड वेस्ट राइनो जीत कर आ रहे हैं। ट्रेवर गवांडू ने जो है 3 विकेट वहां पर चटकाए थे। फिर अगर यहां पर मैं बात करूं तो मुंबई ने 2 विकेट चटकाए थे। अब अगर तंजानिया की बैटिंग यहाँ पर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास जो है मसकांडा ने और कैतिनो ने है, जो दोनों के दोनों प्लेयर थे, 30+ रन बनाए हैं, 31 और 32 रन ने बनाए हैं। जतिन कुमार दारजी ने तंजानिया के लिए वहाँ पर 30 रन बनाए, बहुत ही बढ़िया जतिन कुमार दारजी की परफॉर्मेंस रही थी। अब पूरे टूर की मैं बात करूँ तो 6 T20 मैचेस दोनों टीम्स खेलने वाली हैं एक दूसरे के खिलाफ। मंडे से टूर स्टार्ट हुआ था, मंडे को 2 मैचेस हुए थे, बैक टू बैक हमें मैचेस देखने को मिले थे। एक मैच जो है, पहला जो मैच था राइनो 16 रन से जीते थे। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, दूसरा जो मैच था, इवनिंग जो मैच था, वो चेज करते हुए 4 रन से जो है वहाँ पर तंजानिया मतलब जीते थे और राइनोस जो है 4 रन से वो वाला मैच हार गए थे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तंजानिया जो है ये प्रिपरेशन कर रही है ग्रुप ए के जो क्वालिफायर होने वाले हैं सब रीजनल के अफ्रीका के लिए। अप्रैल के लास्ट में ये मैचेस शुरू होंगे, उसके लिए सारी की सारी जो है प्रैक्टिस चल रही है। तीसरे मैच की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तीसरा जो मैच हुआ था तंजानिया हार कर आ रहे हैं। 129 रन इन्होंने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में और उसके बाद जो है मिड वेस्ट राइनो ने 130 रन 4 विकेट गंवा कर बना दिए थे बहुत आसानी से। 17वें ओवर में इन्होंने ये जो है चेस कर लिया था। वेदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो कीवी स्पोर्ट्स क्लब जो है अंडर द क्लाउड रहेगा, मतलब रेन के चांसेस तो नहीं है पर हमारे पास क्लाउडी कंडीशन रहने वाली है, ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाली है, तो आप मान के चलिए कि बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद देखने को मिलेगी। तो पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट हमारे लिए रहने वाली है क्योंकि धीरे धीरे जैसे तीसरा मैच हमने देखा ठीक ठाक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला था, तो ऐसे आप मान के चलिए कि चौथा जो मैच होगा उसमें भी जो है टोटल हमें ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। 130+ तो पहले बैटिंग करने वाली टीम आराम से बना ही देगी। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग के दो मंडे को जो मैचेज हुए थे उसके हिसाब से ट्यूजडे का मैच जो था हाई स्कोरिंग रहा था और इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो दिन भर दिन जैसे है पिच बैटिंग फ्रेंडली हुई जा रही है। तो चौथा जो मैच होने वाला है यहाँ पर, जो आज का मैच होगा, यहाँ पर हमें जो है थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच और देखने को मिल सकता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ इस इनिंग में, मतलब इस सीरीज में जो अभी तक रही है, 132 रहा है और रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर मैं बात करूं तो 2 बार जो है टीम चेज करते हुए हारी है और 1 बार जो है जीती है। तो यहां पर आप मान के चलिए कि जोन से भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि पहले बैटिंग करे और डिफेंड करे यहां पर रन्स को। अब अगर मैं सारी की सारी प्लेइंग 11 की बात करूं, बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर की बात करूं, तो पहले हम तंजानिया की ओपनिंग की बात करें तो यहां पर हमारे पास जो है ए पाटवा आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जतिन कुमार दारजी हैं। बहुत बढ़िया दोनों के दोनों प्लेयर हमें खेलते हुए दिखेंगे। जे दारजी यहां पर आप देख सकते हैं पिछले मैच में 30 रन बनाए थे,
मिडल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो जतिन प्रताप है, फिर उसके बाद हमारे पास एक काशुमू है, फिर उसके बाद हमारे पास कसीम रहेंगे। तो तीनों के तीनों प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हिटर की अगर मैं बात करूँ तो कसीतो हमारे पास हैं, फिर उसके बाद रामधानी हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आईजूमा हमारे पास रहेंगे। फिर अगर स्पिनर की अगर मैं बात करूँ तो आशीष कामनी हमारे पास रहेंगे। पेसर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है जेड रामधानी है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है मोहम्मद है और मोहम्मद अली हमारे पास रहेंगे। तो पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ जो दोनों टीम्स ने खेला था कल, वहाँ पर अगर हर प्लेयर की परफॉर्मेंस की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तंजानिया जो है पहले बैटिंग करते हुए 129 रन बनाए थे और हार चुकी है, पर यहाँ पर आप पूरे के पूरे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ए पार्ट वन ने 11 रन बनाए थे, फिर उसके बाद जे दारजी ने 30 रन बनाए थे, जतिन प्रताप सिंह ने 12 रन बनाए थे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ अतुमानी ने 1 रन के साथ 1 विकेट चटकाई थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हमारे लिए हो जाते हैं क्योंकि चौथे नंबर पर आ रहे हैं और अपनी टीम के लिए ओवर भी करके दे रहे हैं। फिर अगर यहाँ पर मैं बात तो कसीम हमारे पास रहेंगे, 9 रन इन्हें बनाया है, फिर उसके बाद कसीतो हमारे पास हैं, 1 विकेट इन्हें छटकाया, लोअर मिडल ऑर्डर में आते हैं तो हिटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। आईजूमा की अगर मैं बात करूँ तो 9 रन इन्हें बनाया, फिर उसके बाद आशीष की बात करूँ 21 रन इन्हें बनाया है, जैड रामधानी ने 20 रन बनाए, फिर उसके बाद एली ने जो है 1 रन के साथ 1 विकेट चटकाई है, मोहम्मद अली ने 1 विकेट यहां पर अपने पिछले मैच में चटकाई है। अब अगर मैं मिड वेस्ट राइनो की बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर की बात करूं तो ब्राइट हमारे पास रह सकते हैं, पर ब्राइट ने पिछले मैच मतलब जो कल का मैच हुआ है वहां पर इनकी कोई भी डिटेल हमें देखने को नहीं मिली है, पर ओपनिंग जो है मिड वेस्ट राइनो के लिए ज़्यादातर ब्राइट ही करते हैं। पिछले वाले मैच में हमें ट्रेवर ओपन करते हुए दिखे थे, फिर उसके बाद हमारे पास कतिनो है, यहां पर आप देख सकते हैं 32 रन इन्हें बनाए, टी मस्कांडा हैं उन्होंने जो है यहाँ पर 31 रन बनाए थे, रेमरेमरेंस ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, आर नियांती की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, ट्रेवर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी अपनी टीम के लिए। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमारे पास ट्रेवर गवांडू हैं, 3 विकेट इन्हें चटकाए थे, फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ट्रेवर हमारे लिए स्पिनिंग ऑप्शन भी रहेंगे और ट्रेवर गवांडू जो 3 विकेट इन्हें चटकाई थी स्पिनिंग ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पेसर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास वॉलेंस हैं, फिर उसके बाद हमारे पास मैनसन है, फिर उसके बाद हमारे पास जोशुआ हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो पिछले मैच की अगर मैं बात करूं यहां पर आप देख सकते हैं ट्रेवर ओपन करते हुए 17 रन इन्होंने बनाए थे, फिर कैटिनो ने 32 रन, फिर उसके बाद हमारे पास जो है तसीना ने 8 रन बनाए थे, फिर उसके बाद मुस्कांडा ने 31 रन बनाए थे, रिमेंबरेंस ने आती ने जो है 28 रन बनाए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए हमारे लिए हो जाते हैं ये। फिर बी मवूता अगर बात करूं तो 1 विकेट के साथ 9 रन इन्होंने बनाए थे और यहां पर मैं आपको बताऊं ड्रीम 11 ने इनके पॉइंट्स अपडेट ही नहीं कर रखे हैं। फिर यहां पर ट्री गवांडू हमारे पास 3 विकेट इन्होंने चटकाई हैं, फिर उसके बाद जोशुआ हमारे पास 1 विकेट इन्हें चटकाई और वॉलेंस ने 2 विकेट चटकाई हैं अपनी टीम के लिए। एक एक्सपर्ट एडवाइज़ और जो मुझे देखने को मिला है कि यहाँ पर प्लेइंग 11 नहीं आ रही है जब टॉस हो रहा है, तो मतलब बॉलर्स कोई भी हो सकते हैं, अगर वो बैटिंग ना ही भी कर रहे हैं, अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं भी हैं तब भी कोई भी प्लेयर बाहर से आकर बॉलिंग यहाँ पर कर सकता है। तो लाइनअप्स जो रहेंगी हमारी वो हमें यहाँ पर आज के मैच में भी देखने को नहीं मिलेंगी, तो आप ग्रैंड लीग में कुछ ऐसे बॉलर्स पिक कर सकते हैं जो यहाँ पर प्लेइंग 11 में कल हमें खेलने को नहीं दिखे थे। तो यहाँ पर अभी मैं आपके साथ टीम डिस्कस कर लेता हूँ। टीम डिस्कस करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें और जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। तो अगर हमारे पास मसवेटी खेलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे हमारे लिए, पर यहाँ पर पिछले मैच में कोई भी डिटेल हमें यहाँ पर इनकी नहीं देखने को मिली, तो सारे के सारे प्लेयर्स ने यहाँ पर आप देख सकते हैं जूमा को पिक करा है। कई प्लेयर ने रिस्क लेकर यहाँ पर 36% लोगों ने यहाँ पर जो है मेटविस्वे को भी पिक करा है, तो आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। बैटिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो दारजी का ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कैटिनो का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कैटिनो अभी तक इस सीरीज़ में हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, जो अभी तक 3 मैचेस हुए हैं 94 रन इन्हें बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्लेयर ये हैं। फिर उसके बाद ए पटवा अपनी टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, टी मसकाडा की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही थी, आर नियाती की परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही थी, चौथे नंबर पर अपनी टीम के लिए आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जे प्रताप है और ए कासूमे भी हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद अगर मैं ऑलराउंडिंग ऑप्शन की बात करूं तो रामधीन हमारे पास हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेवर हैं, फिर उसके बाद हमारे पास नसूरो हैं, बी मवूता आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ड्रीम 11 ने इन्हें यहाँ पर अपडेट इनके पॉइंट्स अभी तक नहीं करे हैं, टी गवांडू हमारे पास अवेलेबल हैं, शायद मुझे लगता है ये कल के प्लेइंग 11 मतलब इनके पास ड्रीम 11 में भी अवेलेबल नहीं थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मुस्वेका हैं, फिर उसके बाद ए कामनी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अगर मैं बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं तो हमारे पास जो है मटवुवु बहुत
बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब टॉस हो रहा है तब हमें प्लेइंग 11 नहीं देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो है कोई भी प्लेयर आकर बॉलिंग कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर आप पॉइंट्स भी देख सकते हैं। प्लेइंग 11 के अंदर आने के पॉइंट्स यहाँ पर ड्रीम 11 ने नहीं अपडेट करे हैं। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आर कुलवा हमारे पास अवेलेबल है, एम अली बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास की मोतो है। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है डब्ल्यू मुंबा की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी, 2 विकेट ना यहाँ पर चटकाए थे पिछले मैच में। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो किसी और प्लेयर को भी, जैसे जे तुशुमा हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, फिर उसके बाद मटवाबू हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्लेइंग 11 अपडेट नहीं हो रही और प्लेइंग 11 जब टॉस हो रहा है तब यहाँ पर नहीं दी जा रही है, तो इसलिए कोई भी प्लेयर यहाँ पर आकर आप मान के चलिए कि बैटिंग या बॉलिंग कर सकता है हमारे लिए। तो अभी मैं आपको टीम्स दिखा देता हूँ स्मॉल लीग की। अगर मैं बात करूँ तो पहली और दूसरी टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टीम असगड़ा को यहाँ पर मैंने जो है कप्तान रखा हुआ है, आई जुम्बा रखे हुए हैं, आर न्याति रखे हुए हैं, टी कैटिनो रखे हुए हैं, जे दार्जी हैं, वाइस कप्तान जो है मैंने टी कवांडू रखे हुए हैं, यहाँ पर 3 विकेट इन्होंने पिछले मैच में चटकाई है। फिर उसके बाद ए कामनी मैंने रखे हुए हैं, बी मबूता रखे हुए हैं, ए मी बी मबूता देखिए अपने टीम के लिए 4th नंबर पर आकर 1 विकेट भी इन्होंने चटकाए, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि 4 ओवर कंप्लीट है पूरे के पूरे आज भी हमें करते हुए दिखेंगे। डब्ल्यू मबूबा हमारे पास है, फिर उसके बाद आर कुलवा है, फिर उसके बाद हमारे पास कमीतो है। तो ये वाली जो टीम होगी हमारे लिए हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया टीम रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टीम ये वाली हमें परफॉर्म करती हुई दिखेगी। अब अगर दूसरी टीम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है मैंने टी कैटिनो को यहाँ पर कप्तान रखा है, जे दार्जी को यहाँ पर वाइस कप्तान रखा है, स्मॉल लीग की भी ये टीम है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ टी कैटिनो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अभी तक 3 मैचेज में 94 रन स्कोर कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए हो जाते हैं। आई जुम्बा हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद टीम असकड़ा रखे हैं, एक असामू रखे हैं, फिर उसके बाद ट्रेवर रखे हैं, टी गवांडू रखे हैं, फिर उसके बाद जेड रामधानी रखे हुए हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो है डब्ल्यू मुंबा रखे हुए हैं, एम अली हैं, और उसके बाद जो है कि मोतो मैंने रखे हुए हैं। तो ये वाली टीम भी हमारे लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। सारे के सारे सेफ प्लेयर मैंने यहाँ पर पिक कर रखे हैं और सारे के सारे प्लेयर यहाँ पर कंसिस्टेंसी से तीनों के तीनों मैच में हमें चलते हुए दिखे हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो विकेट कीपिंग ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया मिडविस्टे को आप रख सकते हैं, पर यहाँ पर वो कल जो है यहाँ पर उनकी कोई भी डिटेल नहीं आई थी, इसीलिए ज़्यादातर प्लेयर्स ने उन्हें ड्रॉप कर दिया है अभी टीम में से। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तीसरी टीम की तो यहाँ पर ये टीम जो होने वाली है हमारी ग्रैंड लीग की टीम होने वाली, आर नियति एज ए कप्तान रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, और एम बी मबूता को मैंने वाइस कप्तान रखा है। बी मबूता हमारे लिए ग्रैंड लीग के ऑप्शन इसलिए भी हैं क्योंकि ज्यादा प्लेयर्स ने अभी इन्हें अपनी टीम में पिक नहीं करा, और जैसे इस टीम्स की जो है प्लेइंग 11 अपडेट नहीं होगी तो यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव यही रहने वाला है कि बी मबूता जैसे अगर ज़्यादा प्लेयर इन्हें जो है नोटिस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर इंपॉर्टेंट और ग्रैंड लीग के लिए हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड लीग का आज का प्राइस जो है 1 करोड़ रखा हुआ है ड्रीम 11 ने। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आई जुम्बा हमारे पास है, फिर उसके बाद टी मसकड़ा है, टी कैटिनो है, फिर उसके बाद जे प्रताप हैं, फिर उसके बाद जो है जे दार्जी रखे हैं, टी गवांडू रखे हैं, जे तशुमा यहाँ पर मैंने एक रिस्की ऑप्शन पिक करे हैं, फिर उसके बाद मैं बात करूं एम अली और ए मवेका हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो 2 रिस्की ऑप्शन यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो है जे तशुमा को मैंने रखा हुआ है जिन्होंने कल कुछ भी नहीं करा था अपनी टीम के लिए, पर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेइंग 11 अपडेट नहीं हो रही है तो यहाँ पर हो सकता है कि जे तशुमा हमें बॉलिंग करते हुए दिखें। फिर उसके बाद बी मबूता बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए रहने वाले हैं, कप्तान और वाइस कप्तान के बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में। अब अगर यहाँ पर मैं अगली ग्रैंड लीग की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है आर नियति को कप्तान रखा है, वाइस कप्तान जो है यहाँ पर मैंने जे दार्जी रखे हुए हैं, आई जुम्बा है, टी मसकड़ा है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टी कैटिनो है, डब्ल्यू मबूबा रखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये भी कल मतलब जो है ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी रही थी। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ट्रेवर हैं, टी गवांडू हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो है जेड रामधानी है, एम अली हैं और ए मवेका हमारे पास रहेंगे। तो ये वाली टीम अगर आप चाहें तो स्मॉल लीग में भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रैंड लीग में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों लीग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम ये रहने वाली है। ग्रैंड लीग में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर विकेट कीपिंग ऑप्शन आप बदल सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर आप चाहें तो एक जो है बैटिंग या तो एक बॉलिंग ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं, मतलब एक बॉलिंग या बैटिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। स्मॉल लीग में अगर आप ये वाली टीम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया ये वाली टीम भी हमें स्मॉल लीग में परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो सारी की सारी डिटेल अभी मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सा प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एक्सपर्ट एडवाइस थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।